तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि S23 सीरीज अभी लॉन्च हुई थी, 1 फरवरी की दिन लॉन्च हो चुकी है, जिसमें S23, S23 Plus और S23 Ultra मॉडल को लॉन्च किया गया है, जिस स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट प्रोसेसर कहा जाता है। अभी इसी सिचुएशन को लेके, जैसा कि आपको पता होगा कि S20 का FE मॉडल वाला लॉन्च किया गया था, या फिर बोल सकते हैं फैन एडिशन लॉन्च किया था, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और बहुत ज़्यादा लोग उसको ले रहे थे, क्योंकि जो एस सीरीज होती है एक प्रीमियम फोन्स होते हैं, तो लोग जो लोग प्रीमियम फोन्स महंगे फ़ोन नहीं ले सकते, उनके लिए S20 FE वाला मॉडल निकाला गया था फैन एडिशन, जो कि जिसकी रेंज मिड रेंज मोबाइल की तरह होती है और लोग इजीली उसको ले सकते हैं। ऐसे ही उसके बाद S21 निकाला, बस S21 वाली जो सीरीज थी उसके अंदर प्रोसेसर सही नहीं था, तो वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया S20 FE के मुकाबले। S20 FE में बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी और अभी तक वो रनिंग में चल रहा है और अच्छा खासा वहाँ चल रहा है। S21 FE को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसके बाद S22 FE लॉन्च नहीं किया गया। बट अभी रिसेंटली अभी रूमर्स चल रहे हैं कि S23 FE बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, और इस पे सैमसंग गैलेक्सी वाले, बोल सकते हैं सैमसंग वाले, इस पे वर्किंग कर रहे हैं बहुत जल्दी, मतलब कि अगस्त या सितंबर में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया में, या बोल सकते हैं कहीं भी इसको लॉन्च कर दिया जाएगा S23 FE मॉडल में। ऐसी जो S23 FE मॉडल आने वाला है, इसके अंदर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन जनरेशन 1 का प्रोसेसर मिलेगा, जो कि सेकंड वर्ल्ड हाईएस्ट माना जाता है, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है जो S22 में दिया गया था, अब आपको S23 FE में अब मिलने वाला है, जो कि बेस्ट मिलेगा। और इसका जो प्रोसेसर मिलेगा, आपको प्रोसेसर तो बता ही दिया, और जो उसमें कैमरा मिलेगा, प्राइमरी जो कैमरा रहेगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा, उसके बाद 3 कैमरे उसमें मिलेंगे, तो फर्स्ट प्राइमरी आपका 50 मेगापिक्सल का रहेगा, उसके बाद जो सेकंड रहने वाला है 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेने वाला है, उसके बाद 5 मेगापिक्सल का टेलीफोकस लेंस रहने वाला है। ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये रूमर्स के हिसाब से आई है, बहुत सारे लोगों ने इसमें रूमर्स किए, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका जो डिस्प्ले रहने वाला है 6.5 या 6.7 के बीच में इसका साइज रहने वाला है इस मोबाइल का, इसमें भी गोरिल्ला डिस्प्ले मिलने वाला है फ्रंट में और बैक में, देखते हैं रेट के हिसाब से, अगर रेट थोड़ा कम हुआ तो हो सकता है प्लास्टिक हो, नहीं तो फिर जैसा कि S23 में आए हो सकता है कि वो मिले, बट अगर रेट कम होगा तो क्वालिटी में कुछ ना कुछ फर्क किया जाएगा। और इसके अंदर S23 FE के अंदर 4500 mAh की बैटरी मिलने वाली है, और इसमें जो सबसे कमाल के जो नए फीचर ऐड होंगे, जो कि आपको S23 सीरीज में ऑलरेडी मिल चुके हैं, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, और इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, और फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला, और वो भी बीच में बिल्कुल यहाँ पर आपको मिलेगा कैमरा। ये फिलहाल रूमर्स यहाँ पर आ चुके हैं। और साथ में इसकी प्राइस की रेंज की बात करें तो प्राइस लगभग 50,000 के आसपास होने वाला है, 50 to 55 के बीच में इसका प्राइस होने वाला है इंडिया में, और ऑफर्स में अगर आप लेंगे तो आपको मे बी 30-35 तक आराम से मिल जाएगा। बट ये मोबाइल जो लॉन्च होगा ये होगा सितंबर और अगस्त के बीच में, जैसे ही लॉन्च होगा तो मैं आपके बारे में बताऊंगा। और जो दोस्तों इसके अंदर जो रैम मिलने वाली है, आपको रैम मिलेगी 8 GB की, बेसिक्स मॉडल में 8 GB की, और आपको इंटरनल स्टोरेज मिलने वाला है 128 GB और 256 GB, दो वेरिएंट में इसको लॉन्च किया जाएगा, उसके रेट अलग अलग हो सकते हैं रेंज के हिसाब से। तो ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।